जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए आज कानपुर सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजयनगर, मुस्कुराई उत्तर प्रदेश फाउंडेशन और पहल सेवा संस्थान के तत्वाधान में वर्तमान परिवेश में एनजीओ के द्वारा प्रभावी स्वरूप पर पैनल डिस्कशन एवं संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर की जानी मानी समाज सेविका श्रीमती नीलम चतुर्वेदी ने अपने विचार रखे। विशिष्ट वक्ता श्रीमती वन्ना निगम सी आदित्य पोता, पैनलिस्ट के मुख्य वक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर बी एन आचार्य, डॉक्टर अनुपम जैन, श्रीमती संगीता सेंगर, श्रीमती आदित्य शुक्ला, डॉक्टर शिवम मिश्रा, श्री अनूप द्विवेदी, डॉक्टर राजीव मिश्रा ने अपने विचार रखे। और किसी भी संस्था को बनाने का हमारा मकसद क्या है, इस पर मुख्य वक्ता ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं, चाहे वह संगठन बनाने या ना बनाने का हो। कॉर्पोरेट जगत स्वयं के द्वारा और सरकार के द्वारा हमारा मकसद होता है समाज से जुड़ना, फिर वह घर से घर के लोगों को जोड़ना, पड़ोसियों को जोड़ना, मोहल्ले को जोड़ना, और फिर एक बहुत बड़ा सा समाज इकट्ठा हो जाता है। पहल सेवा संस्था की अध्यक्षा श्रीमती सूरज द्विवेदी ने सबका स्वागत किया। मुस्काई उत्तर प्रदेश फाउंडेशन की महासचिव डॉक्टर कामायनी शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। संस्था के उपाध्यक्ष गौरी गुप्ता, सचिव सुपर्णा मिश्रा और संगठन मंत्री रिंकी जायसवाल, सविता गोस्वामी, संजय पांडे इत्यादि उपस्थित रहे। संवाददाता अनूप सोनकर की रिपोर्ट। मैं सुरभि द्विवेदी, पहल सेवा संस्थान की अध्यक्षा और मुस्काई उत्तर प्रदेश की सचिव, और आज हमारा पैनल डिस्कशन और संवाद का कार्यक्रम था मुस्कुराए उत्तर प्रदेश फाउंडेशन की तरफ से, जो कि सारे एनजीओस के बीच जो भी समस्याएं होती हैं उनके प्रति क्या क्या करना चाहिए उन्हें, और जो सुझाव उनको दिए गए, जो उनकी समस्याएं आ रही थी, वो हमारे पैनल जो पैनलिस्ट थे उन सभी ने बताया। मेरे हमारे कार्यक्रम में नीलम चतुर्वेदी, श्रीमती नीलम चतुर्वेदी जी, जो कि सखी केंद्र की अध्यक्षा हैं, बहुत समय से काम करें, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सुझाव बताए कि किस तरीके से एनजीओज अपना अच्छे से कार्य कर सकते हैं। मुख्य अतिथि में सखी केंद्र की श्रीमती नीलम चतुर्वेदी जी और डॉक्टर शिवा और सुधांशु सर जी, अदिति शुक्ला, अनुपम जैन जी, अनुप द्विवेदी जी। मुस्कुराए जी, संस्था बनी है अभी मुस्कुराए उत्तर प्रदेश फाउंडेशन। इसका जो उद्देश्य है वो सभी संस्थाओं को साथ में लेकर कार्य करने का है। जैसे कोई संस्था किसी कार्य को मुख्य रूप से कर रही है तो बाकी संस्थाएं उसको किस प्रकार सहयोग दे सकती हैं, एक तरह से ये एक सहजीवन वाली हम सोच को लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए कोई संस्था चाह रही है कि हम पर्यावरण पर कार्य करें तो वो अन्य संस्थाओं का सहयोग ले सकती है। इसी तरह से आज हमने जो प्रोग्राम रखा उसमें सुरभि जी की संस्था, जो पहल सेवा संस्थान है, उसने सहयोग किया और उसका संयोजन किया। इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और मार्गदर्शन लेती रही मुस्कुराए उत्तर प्रदेश फाउंडेशन के द्वारा, जिसके संस्थापक सिद्धांशु राय जी हमारे बीच उपस्थित भी हैं। इस तरह से काफ़ी सारे लोग आए और जो हमारी प्रमुख संस्थाएँ हैं इस समय उत्तर प्रदेश में भी उनका जानते हैं और वो देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने सबके क्वेरीज के उत्तर दिए और किस प्रकार से कोई संस्था किस तरह से क्या सोच लेकर आगे आ सकती है। अगर आपकी सोच सच है और प्रेरित है, स्वप्रेरित है, तो आपके साथ में लोग स्वयं ही जुड़ते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई और सभी ने इसके बारे में हामी भरी कि हाँ ये बात सही है कि यदि आप अकेले भी चलते हैं लेकिन आपकी सोच सही है तो लोग आपसे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था और